बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आज हमारा टॉपिक है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। कि इसको प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं, विजुअल स्टूडियो पे जाते हैं, क्रिएट करते हैं नया प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ से इसको सेलेक्ट करो। ओके अच्छा, अब जब हम इसे सेलेक्ट कर रहे होते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है चेंज ऑथेंटिकेशन। अब देखो मैं यहाँ एम्प्टी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन सॉरी MVC पर आया, ठीक है। MVC पर जब मैं आता हूँ तो अब मैं देखता हूँ ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आता है, और यहाँ मैं जब इसका चेंज ऑथेंटिकेशन कहता हूँ, मीन्स इंडिविजुअल यूज़र अकाउंट, ये खुद से हमें लॉग इन आईडी और पासवर्ड बना के दे मतलब दे देता है, डेटाबेस बना के दे देता है इसका। हम जब करते हैं नो ऑथेंटिकेशन, इसका मतलब है कि हम खुद से यूज़र आईडी क्रिएट करेंगे, यानी लॉग इन और साइन अप खुद बनाएंगे। ओके करते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम इस पे आते हैं, और सबसे पहला काम अगर मैं देखूँ, एक कंट्रोलर, होम कंट्रोलर बाय डिफॉल्ट आ रहा है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ पहले से व्यूज़ भी बने हुए होंगे, एक्शन मेथड भी बने हुए, मैं इनको रन करता हूँ तो मैं किसी भी पेज के ऊपर जा सकता हूँ, ठीक है। होम अबाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है, हम इस पर क्लिक किया, देखो हर पेज के ऊपर हम आ सकते हैं। हम सपोज कर लो कि हमारा ये जो अबाउट वाला पेज है ना, ये ऑथेंटिकेट पेज है, यानी इस पर हर यूज़र इस तरह से नहीं आ सकता। मैं बिना लॉगिन और साइन अप हुए देखो इस पेज के ऊपर आ सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करना, मैं इस पेज को सिक्योर करना चाह रहा हूँ, नहीं चाह रहा कि इस पर कोई भी यूज़र आराम से आ सके, ठीक है। तो उसको आने के लिए आईडी पासवर्ड रिक्वायर्ड हो, तो मैं आऊँगा अबाउट, देखो अभी अबाउट का पेज कहाँ है, ये एक्शन ये है ना, यहाँ पर आके मैं एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा ऑथराइज्ड, ठीक है। इस एट्रीब्यूट को जब हमने लगा दिया ऑथराइज, अब मैं इसको जब रन करता हूँ, तो देखो अब जब अबाउट पे क्लिक करेंगे हम, तो ये क्या कह रहा है, अनऑथराइज्ड, यानी वो हमें इस पेज के ऊपर आने की परमिशन नहीं देगा। यू डू नॉट हैव परमिशन टू व्यू दिस डायरेक्टरी और पेज, सही। अब ये पेज क्या है कि बिना लॉगिन हुए आप नहीं देख सकते, हर पेज के ऊपर जा सकते हो, अबाउट पे नहीं जा सकते, ठीक है। सिर्फ क्या एक एट्रीब्यूट लगाया है ऑथराइज का, ठीक। अब तुम चाह रहे हो कि इस तरह का एरर पेज ना आए, अगर मतलब लॉग इन नहीं हुआ है तो उसको लॉग इन या साइन अप वाले पेज के ऊपर भेज दिया जाए, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम वेब डॉट कॉन्फिक के अंदर जाएंगे, तो फिर अब जब हम जाएंगे इसमें कहाँ पर, वेब डॉट कॉन्फिक और सिस्टम डॉट वेब के अंडर लिखना है, सिस्टम डॉट वेब देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है, तो यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे ऑथेंटिकेशन और ऑथेंटिकेशन क्लोज, ठीक है। ऑथेंटिकेशन का अपना एक एट्रीब्यूट है मॉट इज इक्वल्स टू, अब देखो फॉर्म, सही, मीन्स लॉग इन या साइन अप वाला फॉर्म। तो अब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म, ठीक है, लॉग इन यू आर एल इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको कौन से पेज पे भेजना चाह रहे हैं, व्यू पर आके होम और कॉन्टेक्ट वाला जो पेज है, ये देखो यहाँ से इसका पूरा यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट सेव कर दे, ठीक है। अब ये कॉन्टेक्ट के पेज पे भेज देगा, कॉन्टेक्ट के पेज पे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग बेटर कर देते हैं, ये सारी चीज़ें निकाल दो, ठीक है, और इसको भी निकाल दो, और यहाँ क्या लिख दो, एंकर टैग लगा दो, एट द रेट HTML, ठीक है, HTML डॉट एक्शन लिंक। अब एक्शन लिंक का तुम्हें पता है, पहले तो नाम लिखते हो साइन अप कॉमा, फिर उसका एक्शन नेम लिखते हो, तो उसका एक्शन नेम भी मैं यही बनाऊंगा, इसको मैं अभी अभी बनाया नहीं है, सिर्फ नाम ऐसे ही दे रहा हूँ। और कंट्रोलर नेम क्या है, होम, इसको होम कंट्रोलर में ही बनाएंगे, ठीक है, ठीक। सिमिलरली यहाँ इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, साइन अप के बाद इसको किया लॉग इन, और बिल्कुल सेम यही नाम यहाँ पे लिखा, सेव, ठीक। अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है, ये वो होम पेज चल रहा है, कॉन्टेक्ट ठीक है, ये देखो होम पेज पर है, हम अबाउट पे जाना चाह रहे हैं, अबाउट पे नहीं गया वो, अबाउट ने उसको कहाँ भेज दिया, कॉन्टेक्ट वाले पे, कि या साइन अप करो या फिर लॉग इन करो जाके, देखो कॉन्टेक्ट वाला पेज, ठीक है। अब
मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया अभी यहाँ पे लॉगिन का पेज नहीं है, साइन अप का पेज नहीं है, तो इस वजह से वही एरर दे रहा है। ठीक है, क्लियर। ऑथराइज्ड हमने इस पेज को किया हुआ है कि अगर वो बिना लॉगिन हुए या साइन अप हुए वो मतलब यहाँ पर आने की कोशिश करेगा तो वो अबाउट के पेज पे जाने के बजाय कहाँ चला जाएगा, इस पेज पे जहाँ पे वो इसे ऑप्शन देगा कि लॉगिन करो या फिर साइन अप करो। ठीक है, अच्छा अब हम मॉडल पर आते हैं और क्रिएट करते हैं क्लास साइन अप वाली। ठीक है, एट क्लास कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे अपने। ठीक है, तो यहाँ पहले लिखना पड़ेगा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा एनोटेशन कंपोनेंट मॉडल। टेबल टीबीएल रजिस्टर नाम का ये टेबल डेटाबेस में बनेगा। सही है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे इसके, प्रॉप इंटीजर यूजर आईडी और इसके साथ क्या लगाओगे की, प्राइमरी की बनेगी ना ये, प्रॉप स्ट्रिंग ईमेल। ठीक है, और एन वार चा सॉरी स्ट्रिंग लेंथ, तो उसकी मैक्सिमम लेंथ हम दे रहे हैं 50, यानी 50 से ज़्यादा लेंथ नहीं हो सकती। सही है, और रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, कॉमा इन एरर मैसेज इज इक्वल्स टू इन वैलिड ईमेल। सही, अच्छा रेगुलर एक्सप्रेशन मेरे पास होगी, पहले से मैं कॉपी कर लेता हूँ उसको। और रिक्वायर्ड लगाने से क्या होगा, वो कहेगा नॉट नल। सही, ये सारी चीज़ हो गई। इसके बाद हमें क्या बनाना है, कॉपी पेस्ट स्ट्रिंग पासवर्ड। ठीक है, और पासवर्ड में क्या क्या चीज़ें होंगी, रिक्वायर्ड होगा स्ट्रिंग लेंथ होगी। ठीक है, बस रेगुलर एक्सप्रेशन भी होगी पासवर्ड की अपनी, और एक चीज़ और होगी डेटा टाइप, डेटा टाइप सॉरी डॉट पासवर्ड। ठीक है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन हटा दो पासवर्ड से भी, वैसे इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लाओगे तो स्ट्रॉन्ग और वीक पासवर्ड वाला काम भी हो जाएगा। कॉपी किया इसको, पेस्ट किया, कंफर्म पासवर्ड। ठीक है भाई, मतलब नीचे वाले के साथ ना नाम रखेंगे ना, इसका रखेंगे नाम कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड कंफर्म भी करवाना, दो एट्रीब्यूट्स इसके भी हो गए। ठीक है, अब ये रेडी है मेरे ख्याल से साइन अप के लिए ये क्लास। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट भी कंपाइल करो इस कोड को, कोई एरर नहीं है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब वो सी एस की क्लास बनाएंगे। यहाँ राइट क्लिक किया, ऐड किया, क्लास बनाई और क्लास का नाम रखा कनेक्शन स्ट्रिंग सी एस। सही है, ऐड। अब यहाँ पर आओगे और ऐड करोगे यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी, और एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर मैंने वही डाउनलोडेड वाले जो मेरे पास रेफरेंसेस हैं वो मैं लगा लूँगा, ब्राउज करूँगा, ये सब हो जाएगा।
क्लियर कर दिया रीसेंट को, और यहाँ से इन दोनों को ऐड करा, तो ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। डी वी कॉन्टेक्स्ट, ठीक, कंट्रोल शिफ्ट वी और रेफरेंस ऑलरेडी ऐड है वहाँ पर। और यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक प्रॉप, और यहाँ लिखते हैं डेटा डी वी सेट, डी वी सेट के अंदर क्लास का नाम क्या है, साइन अप, सही है, और साइन इसका नाम लिख दिया। कंपाइल कर दो कोड को, कंट्रोल शिफ्ट बी, ये क्लास हो गई रेडी, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसके बाद हम इसको एसक्यूएल सर्वर ऑन करना पड़ेगा, एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। कोड फर्स्ट अप्रोच इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर डेटाबेस तो वहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा ना कनेक्शन स्ट्रिंग लगाने के लिए। तो जब तक मैं यहाँ से ऐड करना शुरू करता हूँ, व्यू यहाँ पे वेब डॉट कॉन्फिग में जाता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग, और उसको क्लोज एट नेम सी एस कनेक्शन स्ट्रिंग और प्रोवाइडर नेम सिस्टम डॉट डेटा डॉट एस क्यू एल क्लाइंट, ठीक है भाई। यहाँ से आके डॉट उसके बाद यहाँ पे करेंगे क्रिएट डेटाबेस ऑथेंटिकेशन कोड फर्स्ट, ये इसका नाम है, कंट्रोल ही सही है, इसको एग्जीक्यूट कर दिया, यूज सेलेक्ट टेबल ब्लैंक है, यहाँ पर आए व्यू सर्वर एक्सप्लोरर एड कनेक्शन डॉट ये आ गया यहाँ पे, ओके कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगी। कॉपी यहाँ पे लाके से किया पेस्ट, और कंट्रोलर ऐड ऐड कंट्रोलर एंटिटी फ्रेमवर्क ऐड किया ऐसे, ठीक है। मॉडल क्लास कौन सी होगी, साइन अप, डेटा कॉन्टेक्स्ट सी एस, लेआउट भी सेलेक्ट कर लो यहाँ से, तो शर्ट का लेआउट लेंगे, लेआउट सही कर देंगे सेट। अच्छा, एक गड़बड़ ये की है कि अब ये इंसर्ट अपडेट डिलीट पासवर्ड एडिट वगैरह सब कर देगा, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, सिर्फ क्रिएट का ऑप्शन रखना है, सही। तो अभी ये कंट्रोलर बनाएगा तो मैं उसको डिलीट करना पड़ेगा। अच्छा, रीज़न क्या है, देखो अब इस तरह से जब मैंने कंट्रोलर लिया है, कोड तो उसने बना दिया, मगर इसने क्या किया, इंसर्ट अपडेट डिलीट सारी चीज़ें कर दी ना, तो इसका मतलब है पासवर्ड तुम डिलीट भी, आईडी डिलीट भी कर सकते हो, आईडी अपडेट भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ हमें ये नहीं चाहिए। हमें सिर्फ क्या करना है, क्रिएट करना है यानी रजिस्टर करना है। साइन अप वाले को डिलीट करते हैं परमानेंटली, ठीक, और यहाँ से साइन अप को डिलीट किया, एक नया कंट्रोलर बनाते हैं ऐड कंट्रोलर, और इसको एम्प्टी करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है, और इसका नाम रखते हैं
यूजर कंट्रोलर, ठीक है। अब देखो यहाँ ब्लैंक आ रहा है ये, सही। अच्छा क्या करेंगे, वो जो साइन अप के नाम का मेथड है उसको यहाँ बनाएंगे कॉपी पेस्ट SI। अच्छा स्पेलिंग भी मिस्टेक हुई है तो कोई मसला नहीं, चलो एड एड व्यू उसका ये नाम होगा। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे क्रिएट, ठीक है। मॉडल क्लास की साइन अप होगी, ऐड करेंगे। उसने सारा कोड बना के दे दिया हमें पहले से, बना बनाया कोड आगे, ठीक। या फिर ऑन द अदर एंड उसमें भी कर सकते थे, अब यहाँ मुझे खुद से कोड करना पड़ेगा सारा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो भी सही है, यूजिंग सिस्टम डॉट यूजिंग वेब एप्लीकेशन डॉट मॉडल्स डॉट, ठीक है। यानी मॉडल की सारी क्लासेस यहाँ अवेलेबल हो, तो CS का ऑब्जेक्ट बनाओगे, CSDB इज इक्वल्स टू न्यू CS, इसको क्लोज। अब इसके दो मेथड बनेंगे, एक ना गेट एंड पोस्ट। तो गेट वाला मेथड आ चुका है, देखो अगर मैं इसको रन करूँ ना अभी, ये तो यहाँ इसका नाम यूजर रखा, यूजर देखो, मगर इसके पीछे कोई इवेंट नहीं है बैकएंड, ठीक है, वो खुद बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? हाँ तो ये वाला कौन सा हो गया, ये गेट हो गया। इस तरह से मुझे पोस्ट बनाना है, ठीक है। तो HTTP पोस्ट, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या पास करूंगा, इसके अंदर मैं पास करूंगा साइन अप का SVM मॉडल, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाया इसका साइन अप एस इज इक्वल्स टू न्यू साइन अप, एस डॉट ईमेल इज इक्वल्स टू SVM डॉट ईमेल, यानी जो फ्रंट एंड से आएगा वही है, ठीक है। एस डॉट पासवर्ड इज इक्वल्स टू SVM डॉट पासवर्ड, ठीक है। एस डॉट कन्फर्म पासवर्ड इज इक्वल्स टू SVM डॉट कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। और DB डॉट साइन अप डॉट एट, और इसके अंदर हम एस को पास कर देंगे, पूरा डाटा बाइंड हुआ होगा। DB डॉट सेव चेंजेस, ठीक है। और वो ऐड करने के बाद क्या करेगा, लॉगिन वाले पेज पे भेज देगा। तो लॉगिन वाला पेज हम यहाँ बनाते हैं अभी। अच्छा मैंने शुरू में जो है यहाँ पर देखो कॉन्टेक्ट के अंदर जो कॉन्टेक्ट वाला मेरा पेज है उसके अंदर मैंने होम कंट्रोल दिया, होम को हटा के क्या लिखो यूज़र, क्यों, क्योंकि हमारा जो कंट्रोलर है वो चेंज है, वो यूज़र कंट्रोलर है, अलग है, सही है ना। और कंट्रोलर का नाम यहाँ से कॉपी करो पेस्ट, इस नाम का एक कंट्रोलर बनाना है, लेके आए यहाँ पे, कॉपी पेस्ट, ठीक। रिटर्न व्यू, और व्यू में क्या रिटर्न कर देगा, ये लॉगिन वाले पेज पे भेज देगा, लॉगिन वाला पेज, ठीक है। रन करते हैं,
अबाउट में आने की कोशिश की, उसने कहाँ भेज दिया, साइन अप या लॉगिन। लॉगिन पे जाओगे देखो लॉगिन के ऊपर कुछ बनाया नहीं है, अभी लॉगिन का व्यू नहीं है इसलिए एरर देगा, ठीक है। और साइन अप पे जाओगे तो साइन अप पे ले जाएगा, ले गया ठीक है। लॉगिन का व्यू नहीं है तो लॉगिन का एक व्यू बना दो। और लॉगिन का व्यू क्या करेंगे हम, कैसे बनाएंगे, देखो इधर आएंगे ऐड व्यू, सही है। और यहाँ से भी क्या सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट ठीक है, और मॉडल क्लास साइन अप ऐड ठीक है। हाँ मगर एक चीज़ करनी पड़ेगी अभी, कंफर्म पासवर्ड को कमेंट, सही। रीज़न क्या है, क्योंकि लॉगिन होते हुए कंफर्म पासवर्ड दोबारा नहीं डाला जाता, ठीक है ना। अब रन करो, देखो यूज़र लॉगिन वाला पेज डायरेक्ट चला है, आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो लॉगिन चलाओ यहाँ से, लॉगिन पे अभी भी वो कह रहा है, एरर है। देखो चल गया, सही। ईमेल और पासवर्ड मांग रहा है और भी डायरेक्ट, सही। अच्छा टेस्ट एट द रेट, या पहले चेक कर लेते हैं डेटाबेस में डेटा बना भी है, मतलब टेबल आया नहीं है। एक चीज़ मैं भूल गया था यहाँ पे, कंपेयर का एट्रीब्यूट लगाना ठीक है। अभी मैंने टेम्प्रेरी तौर पे वो हटा दिया है, रेगुलर एक्सप्रेशन कंपेयर, और यहाँ पे उसका नाम देना है किससे कंपेयर करना। इनके डिस्प्ले नेम भी सही कर दो, डिस्प्ले नेम इज इक्वल्स टू कंफर्म पासवर्ड ठीक है, कॉपी सिर्फ पासवर्ड। इसका डिस्प्ले नेम सही, कोई टेबल तो क्रिएट नहीं हुआ है, डेटाबेस में कोई मसला नहीं है ठीक। अब देखो यहाँ टेबल क्रिएट हो चुका है, चेक करो इसके अंदर डेटा आया नहीं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टीबीएल रजिस्टर, तो कॉपी कर लो यहाँ से, सही है। अब वो वैलिडेशंस लगा लेना यहाँ पे ना, मैंने टेम्प्रेरी तौर पे कुछ छोटे से एरर की वजह से मैंने अभी हटा दी थी, क्योंकि मैं रेगुलर एक्सप्रेशन सही कॉपी पेस्ट नहीं हुई थी, इंटरनेट पे मिल जाएगी। तो इस तरह क्या होगा, साइन अप क्रिएट हो गया मेरा ठीक है, और लॉगिन पे अब मुझे क्या करना है, लॉगिन वाला काम करना है सिर्फ। तो लॉगिन वाला पेज कहाँ है, ये यूज़र पे आओगे, यूज़र कंट्रोल पे ठीक है। ये गेट मेथड आ रहा है, इसका मुझे पोस्ट बनाना है, कॉपी किया इसको पोस्ट पे आया, और ठीक है। अब हमारा साइन अप का काम सही चल रहा है, तो अब हमें क्या है, लॉगिन करवाना है ठीक है। लॉगिन वाले पे क्या होगा, देखो यहाँ पे आया HTTP पोस्ट ठीक, और यहाँ पर आके क्या करना है मुझे, अब ईमेल पा आईडी पास। तो ये जो लॉगिन है वो क्या लेकर आ रहा होगा, ये भी साइन अप का मॉडल लेके आ रहा होगा ठीक है। ये यहाँ से कॉपी करो पेस्ट ठीक है। S इज इक्वल्स टू DB डॉट, सही है। टेबल का नाम क्या है, साइन अप डॉट वेयर, वेयर लिंक क्वेरी लग रही है। अब देखो यहाँ ए टेंड्स टू ए डॉट ई मेल इज इक्वल इक्वल टू SVM, जो यानी तो मॉडल से यहाँ से दोगे फ्रंट एंड से, उस ई मेल के बराबर है। एंड ए डॉट पासवर्ड इज इक्वल इक्वल टू SVM डॉट डॉट पासवर्ड ठीक है, डॉट सिंगल और डिफॉल्ट ठीक है, एक यूनिक जो है आइडिया देगा। अब यहाँ कहेगा इफ
एस इज नॉट इक्वल टू नल, अगर एस ब्लैंक नहीं है तो वो रिडायरेक्ट कर जाएगा, अदरवाइज किसी और पेज के ऊपर, मतलब इसी पेज के ऊपर रहेगा, ठीक है। और क्या करें, व्यू बैक से हम एक मैसेज पास कर देते हैं, व्यू बैक डॉट मैसेज इज इक्वल्स टू इनवैलिड आईडी और पासवर्ड, ठीक है, और इसी पेज के ऊपर आ जाए, रिटर्न व्यू तो इसी पेज पे करेगा, ठीक है। अगर नहीं नल है तो फिर क्या करेगा, वो किस पेज पे लेके जाएगा, हमारे दूसरे पेज पे, जो कि है रिटर्न रीडायरेक्शन, रीडायरेक्ट टू द एक्शन, और रीडायरेक्ट टू द एक्शन कौन सा पेज, अबाउट का पेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक है कि वो जो हमारा एक्शन वाला पेज है, मतलब अबाउट का पेज है, वो दूसरे कंट्रोलर के ऊपर है, सही है। तो हमें उसका कंट्रोलर नेम भी देना पड़ेगा, पहले एक्शन नेम देना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कंट्रोलर नेम क्या है उसका, होम, और वहाँ पे उसका नाम क्या है, अबाउट, यही है सही। हाँ, अभी हमने सेशन वगैरह नहीं पढ़े, तो सेशन नहीं दिया, वरना मैं सेशन से वो भी पास करता, ठीक है, सेशन एक्टिव। अब इसको चलाते हैं, एंड आई होप ये पूरी तरह से ये सही है, कोई मसला नहीं है इसमें। और देखो अबाउट के पेज पर आने की कोशिश की, अबाउट के पेज पे नहीं आ सके, साइन अप पे गए, साइन अप करवाया, और साइन अप पे आए और ईमेल लिखा test1@yahoo.com, पासवर्ड इसका रख देते हैं 123, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक पासवर्ड की वो सारी तुम रेगुलर एक्सप्रेशन लगाओगे तो ठीक हो जाएगा, क्रिएट करोगे, देखो क्रिएट करने के बाद ही लॉग इन पेज पर ले आया मुझे, सही है, ले आया, पासवर्ड दिया 123, पासवर्ड मैच किया, अबाउट के पेज पर आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा कहीं एरर आ रहा है छोटा सा, db.save changes पर कहता है वैलिडेट वन और मोर, अच्छा तो ये एरर कहाँ पर है, साइन जो सोल्यूशन निकाला, क्रिएट क्रिएट किया था ना, तो वो क्या कर रहा था, वो साइन अप वाले को चला रहा है इस पर। तो मैंने यहाँ आके क्या किया, एक कोड का इजाफा कर दिया, html.beginForm, और यहाँ पे बता दिया एक्शन कौन सा परफॉर्म करो, लॉगिन वाला, ठीक है, वरना वो क्या परफॉर्म करना कर रहा था, इसको कॉल कर ले रहा था, यानी दोबारा से इंसर्शन कर रहा था, इंसर्शन के ऊपर इंसर्शन हो तो डुप्लीकेशन हो रही थी, तो मसला आ रहा था। तो मैंने @html.beginForm किया और कंट्रोलर नेम बता दिया कि यूज़र के अंदर एक लॉगिन नाम का एक्शन मेथड है, उसे परफॉर्म करो, उसके अंदर क्या कोड है, उसके अंदर इंसर्शन का कोड थोड़ी है, उसके अंदर कौन सा कोड है, सर्च करके लाने का वेयर की क्लॉज के साथ, ठीक है। तो बस ओके, और उसके बाद बस फिर वो लेके जा रहा है इसको, तो एक दफ़ा फिर से टेस्ट करते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको फिर। तो होम कंट्रोलर, और हम पहले देखो अबाउट पे आने की कोशिश करते हैं, अबाउट पे नहीं आ सकते, ठीक है, साइन अप करना पड़ेगा, साइन अप कराया, ईमेल को चेक करते हैं, abcd@gmail.com, पासवर्ड छोटा सा रख देते हैं 123 123, सही है, क्रिएट, ओके, अगेन ये इस पे मसला कर रहा है, वैलिडेशन फील्ड वन और मोर, लॉग इन, अच्छा 123, और इसको लॉग इन किया, एक्शन परफॉर्म किया, और ये लॉग इन हो गया, ठीक।